नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। सिंचाई करने के आधेड़ के अराजकी परिस्थिति में हुई मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। खबर चंदौली के बुबरिया थाना क्षेत्र के बौरी गांव से, जहां खेत में सिंचाई के लिए गए थे श्यामलाल 55 वर्ष के, रहस्यमय परिस्थिति में शिव मिले। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार श्यामलाल रात्र में खेत पर सिंचाई के लिए गए थे, लेकिन काफी देर में नहीं लौटने पर घर वाले खेत पर खोजने गए, लेकिन वहां नहीं मिले, जिससे परिजन वापस लौट आए। जिसके बाद सुबह खेत के पास किसानों द्वारा फोन कर सूचना दी गई कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके सुनते ही कोहराम मच गया। तत्काल इस वक्त बातों की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने शिव को कब्जे में लेकर जरूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है। वहीं मृतक के पुत्र ने पुरानी रंजिश में हत्या का आशंका जताया है। अवधेश यादव की स्पेशल रिपोर्ट। गए थे जो है कि रात भर में हमारा हो जाएगा काम, चढ़ा के पानी हम आ जाएंगे, खाद रख के ला करके रखा हुआ खाद फेंकने के लिए। गए थे पानी चढ़ाने 1:30 बजे रात में, हमारे दोनों छोटे भाई जो है एक ठू चादर मंगाए बेटा डलवा के। जी सर, भैया देखा गाड़ी आ रही, ठीक है गाड़ी आ रही है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो दोनों भाई हमारे गए थे 1 बजे रात में जो है, तो वहाँ जो है खेत पर खोजे, हर जगह खोजे जो है, पानी जहाँ जहाँ से आता है नाली से, तो भेंट नहीं हुआ। उसके बाद दोनों लोग खोज करके चले आए घर। उसके बाद मोबाइल भी लिए तो मोबाइल पर फोन कर रहे थे, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, लाठी डंडा, उसके बाद लाठी फरसा मोबाइल सब गायब है। उसके बाद खेत में जो है लोग बता रहे थे, वहाँ जो देखने वाले लोग थे बता रहे थे कि उसमें जो है कहाँ सुनी पानी चढ़ाने को लेकर हुआ था, दिन में जो है वो हुआ था। उसके बाद जो है जिससे झगड़ा हुआ था उसके खेत में मुंह भी खुला हुआ है, और उससे पुरानी रंजिश भी चल रही है बहुत दिन से, जो मुकदमा भी चल रहा है उनसे। अच्छा, थाने में कई बार FIR हुआ, सुलह भी हुआ है, कई बार समझौता भी हुआ है। अच्छा, उसके बाद से रंजिश चल रहा है जो है, यही मामला है सर। खेत के धान में जो है इसमें झगड़ा हुआ है, वहाँ हथापाई, वहाँ गमछा गिरा था, एकदम पूरा खेत का धान सब पूरा खचाया हुआ था। उसके बाद जो है उनको मार करके जो है दूसरे खेत में दूसरी जगह फेंका गया था सर। अच्छा, दूसरे खेत में सर दूसरी जगह फेंका गया था, झगड़ा हुआ था कहीं और मार करके फेंका गया है, और ये तो मर्डर है, एकदम सत्य है। झगड़ा आप लोगों की सूचना कब मिली? सूचना सुबह जो है कोई दूसरा व्यक्ति फोन किया है कि आपके पिताजी का डेथ हो गया है, जहाँ तब हम लोग भागे गए। अच्छा, पता नहीं हुआ तो सुबह फोन किया है कोई दूसरा को। अच्छा, इससे पहले कुछ पता चला कि किससे इससे पहले झगड़ा उगड़ा हुआ था पानी उन्हें चढ़ाने के विषय में? नहीं, वो तो है पारिवारिक झगड़ा है जो है जिससे चल रहा है पुराना रंजिश। क्या आप नाम लेना चाहेंगे? वो पारिवारिक है, नहीं अब वो तो खुलेगा, पोस्टमार्टम हो जाए, ठीक, पोस्टमार्टम हो जाए तो खुदा क्लियर हो जाएगा वो तो सर।